उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में थाने के अंदर ही नाबालिग किशोरी के साथ रेप मामले ने एक बार फिर खाकी को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निलंबित पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज सहित 3 अन्य फरार हैं। वहीं DIG झांसी जोगेंद्र सिंह ने देर रात पाली पहुंचकर थाने का मुआयना किया, साथ ही आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस टीमों को कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी दल योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के मुताबिक पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी को उसके ही गांव में रहने वाले 4 लड़के 22 अप्रैल को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए। वहां नाबालिग से 3 दिनों तक सामूहिक रेप किया। 3 दिन बाद चारों आरोपियों ने किशोरी को पाली थाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिया और उसके बाद फरार हो गए, जिसके बाद थाना इंचार्ज ने पीड़िता को उसकी मौसी के साथ चाइल्ड लाइन भेज दिया। 2 दिन बाद पाली थाना इंचार्ज ने बयान लेने के बहाने नाबालिग को थाने में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता को उसकी मौसी के साथ चाइल्ड लाइन भेज दिया गया। चाइल्ड लाइन में बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान अपनी साथ हुई घटना को बताया। चाइल्ड लाइन की शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया। SP ने पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ धारा 363, 376, 376B, 120B, पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। इसके साथ ही आरोपी थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज को सस्पेंड कर दिया गया। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की जा चुकी है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, योगी जी की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। चंदौली में एक मासूम बेटी के साथ रेप और हत्या के आरोपों के बाद यूपी की योगी जी की पुलिस पर ललितपुर के पाली में पुलिस वालों द्वारा सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा है। वसूली, हत्या, अपहरण, फिरौती के बाद अब यूपी पुलिस रेप और गैंग रेप भी करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर जाएंगी कहाँ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने, थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से सोचा है? कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे। आज ललितपुर है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिला सुरक्षा और महिला हितैषी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर कदम उठाने ही होंगे।